ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो पर्सन आकर ताकुमी से मिला था वो काओरो है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड और सोलो डिजाइन का पार्टनर भी है। काओरो वापस आने पर सभी को पार्टी देता है। तभी उरई को नोमिया ट्रेडिंग से कॉल आता है, जो उसे मिस्टर माकिहारा को कॉल करने को कहते हैं, क्योंकि वो उन्हें कॉल करना भूल गई। उरई कहती है, मैं मिस्टर माकिहारा को कॉल करना कैसे भूल गई। उरई वापस ऑफिस जाने लगती है बिजनेस कार्ड लेने। तभी नोराकुरा उसे मिस्टर माकिहारा का नंबर देती है। नोराकुरा की इतनी अच्छी मेमोरी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर काओरो नोराकुरा से कहता है, ये पार्टी सिर्फ मेरे आने की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वेलकमिंग पार्टी भी है। नोराकुरा खुश होती है और कहती है, ये मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मुझे वेलकमिंग पार्टी दी जाए। ताकुमी उसकी छोटी सी विश जानकर हैरान होता है। देन ताकुमी नोराकुरा को घर छोड़ने जाता है और कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि वेलकमिंग पार्टी तुम्हारा ड्रीम थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही पार्टी दे देता। दोनों बात ही कर रहे थे तभी वहाँ एक आदमी आता है। इसका नेम कासुआ है, जो कि नोराकुरा का एक्स लवर और बॉस है। देन ताकुमी उसे उसके एक्स बॉस के साथ छोड़कर वापस कंपनी आ जाता है। काओरो ताकुमी से कहता है, पहले उरई को हायर करने के बाद हम दोनों ने सोचा था कि अब किसी को हायर नहीं करेंगे, पर तुमने नोराकुरा को हायर कर लिया। चलो कोई नहीं, वो बहुत क्यूट है। फिर काओरो ताकुमी से पूछता है, क्या तुम अभी भी चिहारू के बारे में सोचते रहते हो। ये सुनकर ताकुमी गुस्सा हो जाता है और कैन फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इधर नोराकुरा कासुआ के साथ बाहर जाती है। कासुआ नोराकुरा से पूछता है, जो पर्सन अभी तुम्हारे साथ था वो सोलो डिजाइन का सीईओ है ना। नोराकुरा, हाँ। कासुआ पूछता है, तो क्या ताकुमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नोराकुरा कहती है, नहीं वो मेरा बॉस है। कासुआ चौंक जाता है और पूछता है, ना हो तुम सोलो डिजाइन में वर्क करती हो। नोराकुरा कहती है, तुम मुझे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाओ। कासुआ कहता है, ठीक है, पर मैं तुमसे मिलने इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें फुल टाइम अकाउंटेंट की जॉब ऑफर करना चाहता हूँ अपनी कंपनी में, और तुम्हारा भी हमेशा से ही ड्रीम है ना कि तुम एक ऑफिस वर्कर बनो। नोराकुरा उसके जॉब ऑफर को ठुकरा देती है, ये कहकर कि वो अपनी करंट जॉब से खुश है। कासुआ हंसकर उससे कहता है, तुम जिस कंपनी में वर्क करती हो वो इतनी छोटी है कि वो अच्छे से सभी एम्प्लॉयज को पे भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तुम वहाँ सिर्फ ताकुमी के बजट को बढ़ा रही हो। नोराकुरा ये जानकर अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में नोराकुरा अमारी और ताकुमी को कंपनी के टाइट बजट के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। वो अपसेट होती है कि ताकुमी उसके लिए कितना कर रहा है। शाम को ताकुमी नोराकुरा से कहता है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो तुम डोर लॉक करके जाना। नोराकुरा कहती है, ठीक है। ताकुमी नोराकुरा के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, तो वो उसे हक करता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बात को लेकर परेशान हो, पर सब कुछ अकेले नहीं सहो, याद रखूं मैं तुम्हारे साथ हूँ। नोराकुरा जैसे ही ताकुमी को हक करने को होती है तभी अमारी उसे बुलाता है और ताकुमी वहाँ से चला जाता है। अकेले में नोराकुरा बहुत रोती है। नेक्स्ट डे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के नोराकुरा ताकुमी को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। ताकुमी पूछता है, तुम अचानक से रिजाइन क्यों दे रही हो। नोराकुरा कहती है, मेरे प्रीवियस बॉस मुझे तुमसे अच्छी जॉब ऑफर कर रहे हैं। ताकुमी पूछता है, तो क्या तुम वहाँ एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बन जाओगी। नोराकुरा बताती है, हाँ, और वहाँ मुझे पे भी अच्छा मिलेगा। हार्ट ब्रोकन ताकुमी कहता है, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है, और अगर कभी तुम्हें सोलो डिजाइन में वापस आने का मन करे तो तुम कभी भी वापस आ सकते हो। सोलो डिजाइन के डोर हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। नोराकुरा उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। वो उसे सच नहीं बताती कि उसने ये जॉब क्यों छोड़ी। फिर जब काओरो नोराकुरा का रेजिग्नेशन लेटर देखता है तो चौंक जाता है। सभी को पता चल जाता है कि नोराकुरा जॉब छोड़कर चली गई। उरई ताकुमी से कहती है, आपने उसे जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं। ताकुमी कहता है, मैं कैसे रोकता, उसे अपना ड्रीम पूरा करने का मौका जो मिल रहा है। थोड़ी देर बाद सोलो डिजाइन में कासुआ का कॉल आता है नोराकुरा के लिए, जो कि रिसीव करता है अमारी। अमारी ताकुमी को बताता है कि फोन पर नोराकुरा के ओल्ड बॉस हैं, वो उससे बात करना चाहते हैं।
सब ये जानकर हैरान होते हैं कि काजुआ यहाँ क्यों कॉल कर रहा है। नोराकुरा को तो उसके ऑफिस में होना चाहिए था। देन हम नोराकुरा को देखते हैं। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि ताकुमी को रेजिग्नेशन लेटर देकर वो काजुआ को कॉल करती है। काजुआ कहता है, तो तुमने मेरी कंपनी में वर्क करने का सोच ही लिया। नोराकुरा कहती है, मैं तुम्हारे जॉब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। काजुआ कहता है, नाहो मुझे पता है मैंने तुम्हें पास्ट में रिलेशनशिप में धोखा दिया, पर मैं। नोराकुरा बीच में बोलती है, अब कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। मैंने जॉब सिर्फ उसकी हेल्प करने छोड़ी, इससे हमारे पास्ट का कुछ लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में नोराकुरा पार्क में बैठी बैठी ताकुमी के बारे में सोच रही थी। देन वो अपना सामान लेने सोलो डिजाइन जाती है, जहाँ वो काजुआ को देखकर चौंक जाती है। ताकुमी उससे पूछता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम काजुआ की कंपनी में वर्क करने वाली हो, इसलिए जॉब छोड़ रही हो। काजुआ सभी के सामने नोराकुरा को फर्स्ट नेम नाहो से बुलाता है। वो चिल्लाकर कहती है, मेरा फर्स्ट नेम नहीं लो। ताकुमी नोराकुरा के पास जाकर पूछता है, तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? मुझे पता है पास्ट में तुम्हें कई लोगों ने हर्ट किया है, पर तुम ये याद रखना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब तुम ये बताओ, तुमने रिजाइन क्यों दिया? नोराकुरा कहती है, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मुझे पता है तुम्हें अकाउंट के लिए कोई फुल टाइम वर्कर हायर करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे हायर किया। उरई कहती है, नोराकुरा तुम ये नहीं समझो, वर्क में मुझे तुम्हारी जरूरत है। अमारी भी कहता है, हाँ नोराकुरा हमें तुम्हारी जरूरत है। ताकुमी नोराकुरा से कहता है, तुम अपने अराउंड देखो कि किसे तुम्हारी जरूरत है। वो देखती है कि सोलो डिजाइन के सभी लोग उसके साथ हैं, तो वो हिम्मत करके काजुआ से कह देती है, मैं यही सोलो डिजाइन में रहूंगी, मुझे तुम्हारी जॉब की जरूरत नहीं है। जाने से पहले काजुआ उसके क्लोज जाकर पूछता है, क्या तुम इसे ही लाइक करती हो? ताकुमी नोराकुरा को अपनी साइड खींचता है और काजुआ को जाने को कहता है। उरई खुशी से नोराकुरा को हक कर लेती है। ताकुमी उसे हिट करते हुए कहता है, तुम एक इडियट हो, और ऑफिस में चला जाता है। काओरो नोराकुरा से कहता है, तुम नहीं गई इसलिए ताकुमी बहुत खुश है, बस वो दिखा नहीं रहा। इस बात पर नोराकुरा स्माइल करती है। ताकुमी उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। नोराकुरा कंपनी छोड़कर नहीं गई इस बात पर वो खुश भी होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड होता है।